हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक फोल्डर जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। अब मेरे पास वो प्रोडक्ट आ गया है। आप भी अगर अपने घर में अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से प्रिजर्व करना चाहते हैं, अच्छे से रखना चाहते हैं, मैनेज करके रखना चाहते हैं, तो आपको भी एक फोल्डर की कभी ना कभी जरूरत जरूर महसूस हुई होगी। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप भी एक अच्छा फोल्डर लेने की सोच रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने इसे अमेज़ॉन से खरीदा था, अब मेरे पास आ गया। थोड़ा सा एक बारी मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कुछ किस तरीके का है फोल्डर। सबसे ऊपर की तरफ बात करें तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा लगता है ये फोल्डर। आप देखेंगे दोनों किस जिस तरीके से यहाँ पे चेक वगैरह का डिज़ाइन दिया गया और ऊपर यहाँ पे जिस तरीके से डिफरेंट टाइप के कलर का यूज़ किया गया है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्रोफेशनल लुक आपको देता है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो कुछ एक सिंगल इस तरीके का ही पूरा एक कलर यहाँ पे दिया गया है, तो कुछ इस तरीके से है ये फोल्डर। अब एक बारी मैं इसको पन्नी से निकाल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में पूरा का पूरा प्रोडक्ट कैसा लगता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। पन्नी से हटाने के बाद तो पूरे इसकी एक अलग ही लुक आती है। और ये चेन वाला फोल्डर है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चेन वाला स्पेस बना हुआ है। यहाँ से आप जो चेन का जो ट्रैक होता है वो बना हुआ है। और इस तरफ की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे भी ये पूरा जो चेन वाली पूरा सिस्टम होता है उसको ही मेंटेन किया गया है। और यहाँ पर इसकी चेन है, चेन की क्वालिटी भी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ठीक ठाक की क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अपर क्लास चेन तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक लग रही है। और एक इसको अगर ओपन करना हो तो सिंपली कुछ इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। चेन वाले फोल्डर का फायदा ये होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है बिल्कुल अच्छे से सेफ रहते हैं। और अगर अंदर की तरफ मैं आपको एक बार इसका दिखाऊं तो किस तरीके से होता है, तो इस तरफ सबसे पहले आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको काफ़ी सारी पॉकेट्स मिल जाती हैं। तो अगर आप अपनी फोटोग्राफ्स रखना चाहते हैं, अपने किसी तरीके के कार्ड्स वगैरह रखना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो आपके पैन कार्ड वगैरह हो, तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। अगर कोई चेकबुक वगैरह है या पासबुक वगैरह है आपकी, अगर उसको आप रखना चाहते हैं यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो आप वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कैरी करके रख सकते हैं। देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे आपको लेमिनेटेड ये जो दी गई हैं शीट्स टाइप दी गई हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। तो प्रॉपरली आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें रख सकते हैं और काफ़ी सारी यहाँ पे आपको शीट्स मिल जाती है। तो अगर आपके रिज्यूमेज वगैरह हैं, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपकी मार्कशीट्स वगैरह हैं, वो सब आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज करके रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। पीछे की तरफ यहाँ पे भी देख लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। तो अगर आप कुछ और भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना चाहते हैं, कोई डिग्री वगैरह रखना चाहते हैं बड़ी बड़े साइज़ की, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो साइज़ दिया गया है, यहाँ पे ये जो पेपर कैरी करने का, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने का जो साइज़ दिया गया, काफ़ी बिग साइज़ दिया गया है। यानी कि अगर आपको कोई बड़ा भी डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप इजीली यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं दोस्तों। तो ये था कुछ इस तरीके का रिव्यू दोस्तों। देखने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखता है। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम सबसे पहले आपके लिए लेके आते रहें।